गुना के राधोगढ़ में गणतंत्र दिवस के मौके पर उल्टा तिरंगा फहराने का वायरल वीडियो अब जो है वो तूल पकड़ रहा है, जहां युवा मोर्चा ने एसडीएम को शिकायत आवेदन देते हुए नगरपालिका में हुई इस घटना को आपराधिक कृत्य बताया है। युवा मोर्चा का कहना है कि विधायक जयवर्धन सिंह और नगरपालिका अध्यक्ष समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों की मौजूदगी में तिरंगा उल्टा फहराया गया है। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेत्री वंदना मांडरे ने भी मध्य प्रदेश शासन और कलेक्टर से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नगरपालिका सीएमओ को नोटिस भेजने के निर्देश दिए हैं। 26 जनवरी को रावगढ़ नगरपालिका में वरिष्ठ अधिकारी, नगरपालिका के कुछ नेता लोग जो वहां उपस्थित थे, और उनकी उपस्थिति में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उल्टा फहराया गया और सबने देखा, सबने ताली बजाई, सबने मिठाई बांटी और उसके बाद तक किसी का ध्यान नहीं गया। जब बाहर वालों का ध्यान गया तब उसको ठीक किया गया। तो इस तरह से ये जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, नगरपालिका रावगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो गैर जिम्मेदाना जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपमान हुआ है, उसकी उसके जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई।